even get to cross. आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 बियॉन्ड इमेजिनेशन वेब सीरीज हिंदी डब्ड पार्ट 3। नंबर 5 पर है मेल्टसी सीजन 1। सीरीज की कहानी फॉलो करती है डेरियो को, जो कि एक कड़क पुलिस ऑफिसर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो अपने फ्रेंड की शादी में अपने होम टाउन वापस जाते हैं। वहां पर इसके दोस्त का मर्डर हो जाता है। ना चाहते हुए भी इस टाउन में इन्हें रुकना पड़ता है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। सीरीज की स्टोरी थोड़ी स्लो है, एकदम से स्टैंड नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर आपके अंदर मिस्ट्री सॉल्व करने की चुल है तो आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर है साईफाई 2015 की लिमिटलेस। सीरीज 2011 में आई लिमिटलेस मूवी के बाद की स्टोरी दिखाती है। एनजीटी नाम का ड्रग जिसे लेने के बाद आपका दिमाग 1000 की स्पीड पर चलने लगता है। एक ब्रायन फिंच नाम का पागल राइटर गलती से इस ड्रग को ले लेता है। इसके बाद एक के बाद एक जो मिराकल होते हैं वो देखने के बाद FBI इसे जॉब के लिए हायर करता है। इस सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन रिलीज किया गया है और इसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है 2020 की एक सीजन के साथ गैंग्स ऑफ लंदन। सीरीज की कहानी लंदन शहर पर सेट है, जहां पर पावरफुल फैमिली के हेड फिन वॉलेस का मर्डर हो जाता है। इसके बाद इसकी फैमिली और इसका बेटा किलर को ढूंढने के लिए जो आतंक मचाते हैं। वो पूरे शहर को हिला देता है। सीरीज में एक्शन और क्राइम कूट कूट कर भरा गया है। अगर आप द नाइट कम्स फॉर अस जैसा टॉप लेवल का एक्शन देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। ब्रूटैलिटी और सेक्सुअल सीन्स की वजह से सीरीज फुली आर रेटेड है और 18+ है। अगर आप हाई लेवल का एक्शन देखना पसंद करते हैं तो आप इसे इंग्लिश में इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पर है 2021 की डेक्स्टर द न्यू ब्लड। काफी अरसे के बाद इसका नया सीजन रिलीज किया गया है। सीरीज बिल्ड अप में जरा भी टाइम नहीं लेती। बे हार्बर बुचर जो बॉडी के 9 टुकड़े करके पैकअप करता है। फोरेंसिक टेक्नीशियन होने की वजह से कई सालों तक पकड़ा नहीं जाता और इसकी बहन डेबरा मॉर्गन जो इसके दिमाग में गंदे गंदे आइडियाज भरती है, वो देखते वक्त सीरीज का मजा दुगना हो जाता है। अगर आप दिमागी तौर पर कमजोर हैं तो इस सीरीज से दूर रहिए। इसके सिर्फ आखिरी सीजन को ही हिंदी में डब किया गया है। पहले के 8 सीजन आपको इंग्लिश में ही देखने पड़ेंगे। नंबर 1 पर है मिस्ट्री थ्रिलर 3 सीजन के साथ डार्क। सीरीज की कहानी जर्मनी के एक छोटे से टाउन पर सेट है, जहां पर 2 बच्चे गायब हो जाते हैं और पूरा शहर इन्हें ढूंढने में लग जाता है। स्टोरी के रिदम को समझने के लिए अपना दिमाग थोड़ा हाई करना पड़ेगा। पास्ट और फ्यूचर का तड़का लगाकर जो टाइम को आगे पीछे घुमाया गया है वो देखने के बाद सीरीज नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। जैसे जैसे स्टोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वैसे वैसे एपिसोड देखने की एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी। ये नेटफ्लिक्स की बेस्ट 3 सीरीज में से एक है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में इंजॉय कर सकते हैं।